हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रो टेस्ट करना सीखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए ये एक पंप है जो हैंड पंप का जैसा रहता है, और ये पंप हम लोग को चाहिए कोई भी इक्विपमेंट का हाइड्रो करने के लिए। हाइड्रो किस किस इक्विपमेंट का होता है, कोई इस तरह का आपको पानी का एक टैंक भी रखना पड़ता है। और आज हम लोग सेफ्टी वाल्व का हाइड्रो कर रहे हैं, तो इसमें ये भी चीज़ आप लोगों को जानना है कि हाइड्रो किस किस इक्विपमेंट का किया जाता है। जैसे सेफ्टी वाल्व हुआ, कोई टैंक हुआ, स्टोरेज टैंक हुआ, या कोई हाइड्रोलिक होस हुआ, ये सारा इक्विपमेंट का हम लोग को सालाना हाइड्रो टेस्ट करना पड़ता है कि उस प्रेशर में ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई टैंक का सोचिए कैपेसिटी है 22 केजी 23 केजी का प्रेशर वो झेल सकता है, तो उसको सालाना हम लोग को हाइड्रो करना है कि वो सच में 22 केजी का प्रेशर सह सकता है कि नहीं सकता है। ये चीज़ जानना ज़रूरी है, तो ये सेफ्टी का चीज़ है, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रो किस किस इक्विपमेंट का होता है, सेफ्टी वाल्व का हाइड्रो होता है, कोई स्टोरेज टैंक का हाइड्रो होता है, कोई होस हाइड्रोलिक होस वगैरह रहता है उसका हाइड्रो होता है, पाइपलाइन का हाइड्रो होता है, कोई भी नया पाइपलाइन बनता है तो उसका भी हाइड्रो होता है। तो इसी इक्विपमेंट को जो टेस्ट करते हैं उसका कैपेसिटी को, उसी को हाइड्रो टेस्ट बोला जाता है। और हाइड्रो टेस्ट में इस तरह का एक पंप लगता है, हैंड पंप का जैसा दिखेगा सिंपल पंप है, उसमें एक प्रेशर गेज लगे रहता है जो कि हम लोग को प्रेशर बताएगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर हमने अभी हाइड्रो करते समय उस इक्विपमेंट में डाला है। और इक्विपमेंट का एक मैनुअल रहेगा कि कितना प्रेशर में आपको टेस्ट करना है, ये चीज़ जानना है। हाइड्रो टेस्ट करते समय ये चीज़ आपको जानना है कि कितने प्रेशर में हमें हाइड्रो टेस्ट करना है, कोई भी सडन प्रेशर उसमें नहीं दे देना है, उसका मैनुअल को जानना है। जैसे इस सेफ्टी वाल्व को हम लोग 45 केजी में अभी टेस्ट करेंगे, आपको प्रेशर भी दिखेगा 45 केजी जैसे जाएगा ये सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाएगा और प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई टैंक में कितना दे के प्रेशर टेस्ट करना है, वो मैनुअल जो रहता है उस मैनुअल में लिखे रहता है, तो उसको आप लोगों को पहले रीड करना है, उसके बाद ही हाइड्रो करना है। और हाइड्रो हर एक पर्सन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन रहते हैं, बट जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रो किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्योंकि कंपनी में आप जब आओगे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हाइड्रो का नाम आप ज़रूर सुनोगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये हाइड्रो है क्या। तो कोई भी इक्विपमेंट का जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट किया जाता है। इक्विपमेंट मीन्स कोई स्टोरेज टैंक, कोई सेफ्टी वाल्व, कोई हाइड्रोलिक होस, ठीक है, इस तरह का इक्विपमेंट का हाइड्रो किया जाता है सालाना। तो हम लोगों ने देखिए अभी इस सेफ्टी वाल्व में इसका होस को कनेक्ट कर दिया है। अब इसका पंप को हम लोग प्रेशर देंगे इस पंप से, हैंड पंप का जैसा देखिए यूज भी हो रहा है, इसी तरह से हम लोग को इसको पंपिंग करते रहना है। और देखिए अभी यहाँ से लीकेज हो गया है, तो इस लीकेज को अभी हम लोग को बंद करना होगा। बहुत बार क्या होता है गैस्किट डैमेज हो जाता है, तो इस तरह का लीकेज हो जाता है, तो लीकेज थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज है इक्विपमेंट में जिस जगह पे आपने होस को कनेक्ट किया है, तो ये हाइड्रो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखिए 20 केजी प्रेशर है और हम लोग का यहाँ से लीकेज हो गया था अभी, तो इसको हम लोग को दोबारा से टाइट करना पड़ेगा अच्छी तरह से। और टाइट करने के बाद दोबारा हम लोग इसके ऊपर प्रेशर देंगे, और लीकेज कहीं से नहीं होना चाहिए, और 45 केजी में ये सेफ्टी वाल्व खुल जाना चाहिए। ये आप लोगों को दिखेगा प्रेशर गेज में, मैं दिखाऊंगा 45 केजी का प्रेशर लेके जाएंगे इस पंप से, छोटा सा पंप से। सोचिए अगर इतना प्रेशर किसी के शरीर में लग जाए तो उसका बॉडी फट जाएगा, तो इतना ज़्यादा प्रेशर दे के हम लोग को हाइड्रो करना पड़ता है इक्विपमेंट का। और ये हर सालाना होता है और हर जगह होता है, यहीं पे नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे आप लोग तो वहाँ पे इस तरह का हाइड्रो होगा।
और जो उसका कैपेसिटी रहता है उससे ज़्यादा में किया जाता है, मैनुअल में जो दिया रहता है कि कितना कैपेसिटी में हाइड्रो किया करना है उतना में किया जाता है। सोचिए कोई टैंक का कैपेसिटी 12 केजी है बट मैनुअल में दिया है कि उसको 14 केजी में हाइड्रो करना है, तो 14 केजी का प्रेशर देके उसमें हाइड्रो किया जाता है। ये प्रोसेस रहता है क्योंकि जो लिखे रहता है टैंक के ऊपर वो मिनिमम रहता है कैपेसिटी, मैक्सिमम में हाइड्रो किया जाता है मैक्सिमम प्रेशर से। तो अभी हम लोगों ने फिर से टाइट कर दिया, इसको फिर से प्रेशराइज करेंगे हल्का हल्का पंप करते हुए, इसको प्रेशर धीरे धीरे उठेगा। इसका प्रेशर गेज का आप लोगों को दिख रहा है, देखिए अभी 10 केजी के आसपास पहुंचा है, अब 20 केजी के आसपास पहुंच गया, पूरा पंप एकदम टाइट हो गया है। देखिए 30 40 40 में रिलीज़ हो जा रहा, देखिए 45 रिलीज़ 45 हुआ और रिलीज हुआ, इसका मतलब सेफ्टी वाल्व ओपन हो गया 45 केजी में। सिंपल सा प्रोसेस है, 45 केजी में हम लोग का सेफ्टी वाल्व ओपन हो गया और वहाँ से पानी गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब 45 केजी में सेफ्टी वाल्व हम लोग का ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट जो भी टैंक में इसको यूज करेंगे उसमें अगर मैक्सिमम प्रेशर 45 केजी हुआ तो ये सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसीलिए ही सेफ्टी वाल्व दिया जाता है कि टैंक का ऊपर इफ़ेक्ट ना आए, क्योंकि टैंक का कैपेसिटी अलग रहता है, सेफ्टी वाल्व का कैपेसिटी अलग रहता है। अगर सेफ्टी वाल्व काम नहीं किया तो क्या होगा, टैंक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, टैंक ब्लास्ट भी कर सकता है। तो सेफ्टी वाल्व का टेस्टिंग हर साल एकदम करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से हाइड्रो करना है। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिला है और कुछ कमेंट करके भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग फिर से एक बार प्रेशर इसमें दे रहे हैं, देखिए 45 केजी जैसे ही जा रहा है इसका प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, मतलब सेफ्टी वाल्व ओपन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आपको हाइड्रो करना समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।